टाटा मोटर्स सानन प्लांट में रिक्वायरमेंट है, आज मैं मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड के साथ कॉल करूंगा जो 3 साल से टाटा मोटर्स में जॉब कर रहा है सुखमा कॉन्ट्रैक्ट में। तो आप सबके जो डाउट रहते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, सर इंटरव्यू कहाँ पे देने के लिए जाए, हम एमपी से है, यूपी से है, बिहार से है, लेकिन सर एक ऐसा मतलब कि चीज़ बताइए जिससे हमको सारे डाउट क्लियर हो जाए, जैसे कि हमको इंटरव्यू देने के लिए कहाँ पे जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, काम क्या करना पड़ेगा, उसके बाद सैलरी कितना मिलेगा। तो उस सारी चीज़ों को मैंने एक ही मतलब कि हर बार मैं सोचता था कि मैं ही बताऊँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मेरे से भी छूट जाते थे, इसलिए मैंने जो मेरा एक फ्रेंड है जो मेरी वेबसाइट के थ्रू वहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ था 2 साल पहले, जॉबसानंद JIDC मेरा वेबसाइट का नाम था उस टाइम पे, तो उस वेबसाइट से वो उसका ज्वाइनिंग हुआ था, उसको अभी कम्प्लीटली 2 साल प्लस हो गए हैं, तो उसके साथ हम आज कनेक्ट होंगे, उसको मैं कॉल लगाऊंगा और आप सबके साथ वही बताएगा कि उनका ज्वाइनिंग कैसे हुआ था, उस बंदे का यहाँ पे वो वहाँ पे काम क्या कर रहा है टाटा मोटर्स में, उनको कितना सैलरी मिल रहा है, सारी चीज़ें आज के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ अभी कनेक्ट हो चुका है राहुल, मैं अभी एक बार देख लेता हूँ उसका कनेक्ट। ओके ओके, उसका कॉल लग गया है। तो राहुल बताइए मतलब कि आप कहाँ से हो, आपके बारे में कुछ। हेलो हेलो, मैं यूपी से हूँ। यस यस, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप से आपका, तेरा आवाज सही से नहीं आ रहा है राहुल, मतलब कि सही बोलने की कोशिश कर। आप बोल रहा हूँ कि मैं यूपी से हूँ। हाँ यस यस, बोलते रहे, यहाँ पे आवाज आ रहा है मेरे को। और मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप से आपका मिला था मैसेज कि यहाँ पे टाटा मोटर सानंद में वैकेंसी है, तो मैं सुखमा के लिए, सुखमा का। यस यस यस, तब मैं यहाँ पे आया, तब मेरे को अहमदाबाद आया, अहमदाबाद से इधर सानंद में आया। हाँ यस यस, प्लांट है। हाँ यस, वहाँ से इसका एक स्थान है कि यहाँ पे ज्वाइनिंग होता है सुखमा। यस यस, ग्रुप का। तो वहाँ आया तो पता चला कि पहले मेडिकल रहना पड़ता है, तो सानंद में सिटी जी हॉस्पिटल है। हाँ यस, वहाँ पे मैं, यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड राहुल रुक, यहाँ पे आप सबसे नीचे वेबसाइट पे मैं एक लिंक दूंगा अप्लाई नाउ का, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपको जो लोग बाहर से आ रहे हैं ट्रेन के, तो अहमदाबाद आप गीता मतलब कि रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आएंगे, रेलवे स्टेशन के बाद आपको गीता मंदिर जाना पड़ेगा, ये हम एड्रेस दिखा रहे हैं, आपको इंटरव्यू देने के लिए जहाँ पे जाना है उसका एड्रेस आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो जो लोग यूपी से, बिहार से, आउट ऑफ स्टेट से है, उन लोगों को पहले रेलवे स्टेशन के थ्रू आएंगे जो लोग, और जो लोग बस स्टैंड के थ्रू आते हैं ना वो सीधा गीता मंदिर आएंगे, लेकिन जो लोग ट्रेन में सफर करके आएंगे वो अहमदाबाद में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आएंगे। रेलवे स्टेशन से आप गीता मंदिर तक आएंगे ना तो आपका 20 रुपये का रेंट से आप आ सकते हो, मतलब कि ये वहाँ पे 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा है, वहाँ पे आपको 20 या 25 रुपये में आपको गीता मंदिर तक छोड़ देंगे वो लोग। गीता मंदिर आने के बाद आपको अहमदाबाद मतलब कि गीता मंदिर से आपको सानंद की एक बस में बैठना है, उसके बाद आपको सानंद बस डेपो पे जाना है, जो कि आपका 25 से 30 रुपीज का बस का टिकट रहेगा। सानंद बस डेपो आने के बाद आपको श्रीजी हॉस्पिटल है, जो कि सानंद, आप जैसे ही बस स्टैंड पे पहुंचेंगे, बस स्टैंड से बाहर आएंगे, एक आपको एक 3 रास्ता है जहाँ पे एक पुतला है, अम्बेडकर का एक पुतला बना है, वहां से 15 मीटर की दूरी पे आपको श्रीजी हॉस्पिटल देखने को मिलेगा। आपको पता नहीं चलता है तो आप कहीं से ऑटो वोटो वालों को या दुकान वालों को पूछ लीजिए कि श्रीजी हॉस्पिटल मेडिकल कहाँ पे है, उसके बाद वहां से आपको मेडिकल करवा के आपको चले जाना है मुनि कृपा आश्रम पे, जो कि वहां से आपको सानंद बस स्टैंड से आपको मुनि कृपा आश्रम पे 20 रुपीज का आपका मतलब कि बस का चार्ज रहेगा, नहीं रिक्शा में आपको जाना है तो 20 रुपये में आपको रिक्शा वाले छोड़ देंगे, वहां पे आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे दिन, राहुल दूसरे दिन ना मतलब कि जिस मेडिकल देने के बाद दूसरे दिन ज्वाइनिंग होता है कि उसी दिन? नहीं, उसी दिन हो जाता है, उसी दिन ज्वाइनिंग हो जाएगा, और सारे बंदे का ज्वाइनिंग हो जाता है, जितने लोग हॉस्पिटल मेडिकल लेके जाते हैं वो सभी बंदे का। हाँ, सभी बंदे का हो जाता है, जिसका मेडिकल अनफिट होता है उसका एक दो दिन बाद होता है, अगर सही निकल रहा तो दूसरा जाँच में, नहीं तो उसका नहीं होता है। क्या 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 बोला, फिर से बोल दे एक बार, मैंने सुना नहीं। जिसका मेडिकल अनफिट होता है ना उसका उस दिन नहीं होता है, फिर दोबारा टेस्ट के लिए बोलता है, दोबारा टेस्ट में पास होता है तभी उसको ज्वाइनिंग होता है। ओके ओके फ्रेंड, आपका जो मेडिकल होता है ना वहाँ पे, आप मेडिकल आपका फुल्ली पास होता है मतलब कि मेडिकल आपका कंप्लीट हो जाता है तभी आपको उसी दिन ज्वाइनिंग हो जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को लेंगे किसी को नहीं लेंगे, मतलब बहुत सारे लोग दूर से आ रहे हैं तो उनको एक ही ज़्यादातर डाउट रहता है कि मेरा ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा, तो सारे बंदे का ज्वाइनिंग हो जाएगा। ओके फ्रेंड, लेकिन आपका मेडिकल पास हो जाना चाहिए, मतलब मेडिकल तो पास भी हो ही जाएगा,
ऐसा नहीं है। और मेडिकल पास होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से साथ में लेके आना है, डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके आना पड़ता है, मतलब कि जब जब मेडिकल होने के बाद राहुल। हाँ तो फ्रेंड डॉक्यूमेंट नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस वीडियो को। तो आपकी 12th की मार्कशीट ओरिजिनल और दो जेरोक्स कॉपी आपको साथ में लेके आना है, आईटीआई का सर्टिफिकेट ओरिजिनल और दो जेरोक्स कॉपी, आईटीआई का ऑल सेमेस्टर मार्कशीट आपको दो जेरोक्स कॉपी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जेरोक्स, पान कार्ड, वैक्सीन सर्टिफिकेट और आपके 10 कलर फोटो। 10 कलर फोटो की जरूरत पड़ती है? ओके। और जो एड्रेस है मुनि कृपा जो फार्म है और उसके बाद मतलब कि सानंद में, वहाँ पे आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है। अभी हम तेरे से बात करेंगे कि वहाँ पे काम क्या करना पड़ता है टाटा मोटर्स में, थोड़ा एक्सप्लेन करेगा तो अच्छा रहेगा, मतलब कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। टाटा मोटर्स में काम यही होता है, उसमें फोर व्हीलर का गाड़ी बनता है, टियागो और टिगोर। हाँ यस, टियागो टिगोर कार बना मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके। उसमें आपको लाइन पे काम मिलेगा काम करने के लिए। ओके। एक एक पार्ट लगना। ओके, तीन शिफ्ट में एंड में जाता है। यस यस यस, तीन शिफ्ट चलता है, उसमें से ए बी सी चलता है। यस ओके। ओके राहुल, मैं एक बार बात बोलना चाहता हूँ। फ्रेंड मैं भी टाटा मोटर्स में डिप्लोमा करके मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, तो मैं चिंतन हूँ जो टाटा मोटर्स में 2020 में ज्वाइनिंग हुआ था, और ये राहुल है जो कि मेरे साथ ही वहाँ पे उसका ज्वाइनिंग हुआ था, वो अभी भी वहाँ पे जॉब कर रहा है, लेकिन मेरे को अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने वहाँ पे जॉब को रिजाइन देके मैं अभी एक परमानेंट जॉब कर रहा हूँ। तो फ्रेंड अभी मैं भी आपको कंपनी के बारे में और काम के बारे में बता सकता हूँ। तो काम क्या करना पड़ेगा, मतलब कि फ्रेंड आपको वहाँ पे 5 शॉप है, तो 5 शॉप में आपको कुछ भी काम मिल सकता है। जैसे कि आपका ज्वाइनिंग क्वालिटी डिपार्टमेंट में होता है तो आपको क्वालिटी रिलेटेड काम करना पड़ेगा, आपका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग होता है तो आपको मेंटेनेंस रिलेटेड काम करना पड़ेगा, या तो फिर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग होता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा। अभी मेंटेनेंस क्या है, क्वालिटी क्या है, प्रोडक्शन क्या है, तो उसके बारे में जानना है तो आप यूट्यूब पे जान सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ। क्वालिटी मतलब कि जो चीज़ बन रही है तो लास्ट एंड में उसका क्वालिटी चेक होता है, मतलब कि वो जहाँ पे नट बोल्ट लगना चाहिए था वहाँ पे ही लगा है तो वो क्वालिटी होता है। प्रोडक्शन का काम है पूरी प्रोडक्ट को बनाने का, और मेंटेनेंस का काम है ये सारे जो मशीन पे बंदे काम कर रहे हैं, वो मशीन खराब हो जाए तो उस मशीन को रिपेयर करना, तो ये काम है। 5 शॉप में आपको कोई भी काम मिल सकता है, मतलब कि ऐसा हार्ड वर्किंग कोई नहीं है राहुल, कोई हार्ड वर्किंग जैसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं, बाकी सारी कंपनी कंपनी के कंपैरिजन में टाटा मोटर्स में हार्ड वर्किंग आपको कुछ नहीं है। और आपको मेरे को तू ये बताएगा तेरे को इनहैंड सैलरी कितना मिल जाता है, मतलब कि 8 घंटे जॉब करने का, ओवर टाइम मत कंसीडर कर, ओनली फॉर 8 घंटे का बता। 14,600-700 रुपये आपको तेरे को इनहैंड मिल जाता है अटेंडेंस बोनस 26 दिवस कंटिन्यू वर्किंग करने के बाद। यस ओके। तो फ्रेंड 14,600 रुपया प्लस 1 घंटा ओवर टाइम करता है कितना मिलता है? एक तो 35 रुपया हो गया है, पहले कम था, 111 रुपया के आसपास था, अभी बढ़ गया है तो 135 के आसपास। मैंने यहाँ पे 115 रुपया लिखा है 1 घंटे का। अच्छी बात है, मतलब कि पहले 115 रुपये मिलता था जब मैं काम करता था, अभी 135 रुपये आपको 1 घंटे ओवर टाइम करने का मिलेगा, मतलब कि आप 4 घंटे भी ओवर टाइम करते हो तो आपका वहाँ पे 1 वीक का खाने पीने का खर्चा निकल जाएगा, सही ना? मतलब कि आपका जो कंपनी से जो इनहैंड सैलरी 14,000 जो मिलने वाला है यहाँ पे जो मेंशन किया है वो आपका बच जाएगा, आप ओवर टाइम करते हो तो आपको रहने का और खाने का खर्चा निकल जाएगा। ओके फ्रेंड, और आगे हम बात करते हैं कि जो आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो सुखमा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, और बस की फैसिलिटी भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अभी राहुल ये चीज़ मेरे को बता कि वहाँ पे खाने के लिए मतलब कि क्या है, सही खाना मिलता है कि नहीं? तू जहाँ से है वहाँ पे तेरा खाना क्या था? गुजराती लोग है तो खाने में बहुत ज़्यादा शौकीन रहते हैं, तो हमको अच्छा मतलब कि वो इतना मतलब कि स्पाइसी खाना हमको नहीं पसंद आता है, तो आपको जो खाना जैसे घर पे खाते हो ऐसा ही मिलता है यहाँ पे कि कुछ अलग है? मतलब कि कुछ पहले तू ज्वाइनिंग हुआ था उस टाइम पे अलग लग रहा था, मतलब कि क्या हुआ था वो सारी बता, मतलब कि जो प्रॉब्लम हुए था ना, जो तेरे को सही नहीं लग रहा है ना वो चीज़ बता सबको सामने। नहीं,
सही सही तो लगता है, खाना तो सही है, खाना में कोई शिकायत नहीं। और काम के रिलेटेड या तो कोई मैनेजमेंट के रिलेटेड प्रेशर आता हो, मतलब कि कोई सुपरवाइजर तेरे को परेशान करता हो कि ये करना ही पड़ेगा, इतना टारगेट अचीव करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है कि नहीं है ऐसा कोई सिनेरियो? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि फ्री माइंड आप घूम सकते हो, फ्री माइंड आप जॉब कर सकते हो, ऐसा ही है ना? जॉब कर सकते हो, लाइन पे हो तो लाइन पे, नहीं तो ऑफलाइन। मतलब कि फ्रेंड मैं ज्यादा उसलिए बोलता हूँ कि उसका जो वॉइस है ना ये मतलब कि नेटवर्क में नहीं आ रहा है, उस वजह से मैं ज्यादातर एक्सप्लेन करता हूँ, और मैं उसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहां पे जॉब करके आया हूँ, तो मेरे को ये पता है सारी चीजें। मैं कुछ गलत बोलूंगा तो आपके साथ राहुल कनेक्टेड है, तो जो राहुल है वो आपको बता देगा। राहुल जो भी मैं गलत बोलूँ तो तेरे को मेरे को रोक देना है और बता देना है कि ये चीज गलत है। तो फ्रेंड आपको जो यहाँ पे जब आपका ज्वाइनिंग करने वाले हैं जो कैंडिडेट टाटा मोटर्स में, तो यहाँ पे कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जो कि जो सानन से गेट नंबर 2 जो सानन जीएडीसी का, वहाँ पे ये प्लांट है। बहुत ही 1100 एकड़ जमीन में प्लांट फैला हुआ है और वहाँ पे 5 शॉप है, पूरा कार को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। अगर आप जॉब के लिए जब सुखमा कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइनिंग करेंगे तो आपकी एज है वो 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए जब आप ज्वाइनिंग करते हो, और आपका आईटीआई होना चाहिए। और फ्रेशर कैंडिडेट को लेते हैं कि ओनली फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट को लेते हैं राहुल? फ्रेशर का भी हो जाता है। ओके, फ्रेशर कैंडिडेट भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों के लिए सेम सैलरी रहेगा, यस ना? सेम। और एक साल खत्म होने के बाद कोई सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ बता सकता है तू? ऐसे तो हर साल सैलरी बढ़ता ही है। ओके, सैलरी हर बार मतलब बढ़ जाता है, कितना बढ़ेगा वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है और कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड है, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आपका कितना सैलरी इंक्रीमेंट होगा। तो फ्रेंड आपको जो फैसिलिटी में मिलेगा कैंटीन पीएफ ईएसआई की फैसिलिटी आपको कंपनी में मिलेगी, 2 यूनिफॉर्म भी मिलेगा, उसका आपका सैलरी से काटा जाएगा, सही ना? वो काट लेते हैं ना सैलरी से, मतलब कि वो कितना काटते हैं वो बता सकता है तू कुछ एग्जैक्ट प्राइस? एक छुट्टी का? नहीं नहीं, एक छुट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यूनिफॉर्म कंपनी प्रोवाइड करती है वो फ्री में रहता है कि कुछ पैसा काटा जाता है उसमें से? अगर 6 महीना जॉब कर लेते हो तो पैसा नहीं कटेगा। ओके ओके, अभी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अगर फ्रेंड आप 6 महीना तक कंटिन्यू जॉब करते हो, उसके बाद छोड़ते हो किसी रीजन की वजह से, तो आपका पैसा नहीं कटेगा, लेकिन उससे पहले आप जॉब को रिजाइन दे देते हो तो आपका यूनिफॉर्म का भी आपको पेमेंट देना पड़ेगा। और राहुल ये बता आपको महीने में कितना छुट्टी मिलता है, और उससे उसके बाद एक आप छुट्टी अलग से एक्स्ट्रा ले लेते हो तो कितना सैलरी काटा जाता है वो बता दे, तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा सबका। एक छुट्टी का पहले तो 1100 करता था। क्या एक छुट्टी का कितना कटता था पहले? 1100 करता था, अब ऐप पर 800 कर दिया। फ्रेंड अगर आप मतलब कि कोई लीव एक महीने में कितना लीव पार सकते हो, उससे ज्यादा पारेंगे तब पैसा कटेगा, ऐसा कोई सिनेरियो रहेगा ना? मतलब कि मेरे एक कोई भी लीव पारो पैसा ही कटने ही वाला, ऐसा है कोई कंडीशन है? जी ऐसा ही है। और ये क्या है ना कि सहमति है तो ठीक है, नहीं तो पैसा। तेरा आवाज सही नहीं आ रहा है, मैं एग्जैक्टली मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। हेलो, हाँ वो यस, जोर से बोलना थोड़ा। बोल रहा हूँ कि अगर सुपरवाइजर सही तो नहीं है। मैं बताता हूँ कि सुपरवाइजर को पता चल गया तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, ऐसा कुछ है? हाँ। ओके फ्रेंड, तो आपके हर एक लाइन का एक सुपरवाइजर रहेगा, जो सुखमा के 200 कैंडिडेट हर 200 या 500 300 कैंडिडेट के बीच में एक सुपरवाइजर रहेगा, तो उसको पता चला कि आपने लीव लिया है या तो बिना उसको इन्फॉर्म किया आपने रजा छुट्टी ले ली है, तब आपका सैलरी से 700 से 800 रुपया काटा जाएगा, वरना आप उसको इन्फॉर्म करके छुट्टी लेते हो तो आपको नहीं काटा जाएगा आपकी सैलरी से पैसा, ऐसा है ना? हाँ ऐसा ही। ओके, तो मतलब कि बिना बताए आप छुट्टी ले लेंगे ना तो उसका फाइन बोला जाएगा, तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सारी चीजें समझ आई होगी, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। हमारे पास 50 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हर बंदा ज्वाइन है, राहुल भी उसी तरह से एडवर्टाइजिंग देख के उसका ज्वाइनिंग हुआ था। तो आप भी सानंद की बहुत सारी कंपनियां हैं, लुमेक्स, हाईलेक्स, वोल्टास, निव्या, मैक्सिस रबर, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, अप्लाई लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, और राहुल को मैं थैंक यू बोलूंगा जिसने हमारा ऐसे एक वीडियो में, पहला ही है मेरा ऐसा वीडियो।
वीडियो है जिसको शूट करने में उसने मदद किया। तो राहुल अभी कौन से शॉप से है, कहाँ से है, मैं वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं किया, और मैंने मेरा भी फेस नहीं इस वीडियो में दिखाया और राहुल का भी फेस इस वीडियो में नहीं दिखाया। लेकिन दोबारा मैं वीडियो अपलोड करूंगा दूसरी कंपनी का, उसमें मैं पूरा सेटअप के साथ आपके साथ मौजूद रहूंगा, जिसमें आपको उस बंदे का फेस भी दिखेगा, मेरा भी फेस दिखेगा, और आप सारी चीज़ समझ भी पाएंगे। और मैं नीचे कॉन्टैक्ट नंबर हेल्पलाइन नंबर भी दे दूंगा, अगर उस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी हमारे साथ कर सकते हो। अगर आपको टाटा मोटर्स में जॉब करता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पे मैंने सारे सुपरवाइजर के नंबर भी मेंशन किए, तो ये सारे सुपरवाइजर से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नई जॉब वैकेंसी के साथ। ओके राहुल।